है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2022 को लेके। इसलिए बात करने वाले हैं नीट 2022 को लेके। इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की, पेपर कैसा था। पेपर जो था ओवरऑल मीडियम था, ठीक है। बायोलॉजी का थोड़ा सा पेपर लेंथी हो गया था। कट ऑफ की बात करते हैं तो 585 के आसपास जनरली कट ऑफ जाने वाली है। उसके अलावा अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो पेपर था जो मीडियम था, इसके अंदर कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर बोनस मिलने की संभावना है। किसकी? बोनस की। तो ऐसे कितने क्वेश्चन जिसके अंदर बोनस मिलने की संभावना, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं बोनस की। तो अब तक ऐसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर बोनस मिलना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक एनटीए ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, ना एनटीए ने भी अपनी ओमआर यानी कि आंसर की जारी की है ऑफिशियल। तो जब ऑफिशियल आंसर किया आएगी उसके अंदर पता चलेगा कि ये जो 4 से 5 क्वेश्चन है इसका एनटीए ने क्या किया है। बाकी 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि उनके अंदर तो 101% बोनस मिलेगा ही मिलेगा अगर एनटीए देता है तो। अगर एनटीए स्टूडेंट की बात सुनता ही नहीं है, अगर यदि उसके अंदर बोनस नहीं देता तो एनटीए की गलती रहेगी। बाकी ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर बोनस मिलने चाहिए स्टूडेंट के, क्योंकि उनके अंदर किसी के अंदर ऑप्शन ही चारों ऑप्शन ही गलत है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा जिसके अंदर ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है। तो इस तरह से कम 3 क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर बोनस मिलना ही चाहिए। इसके अलावा ऐसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन जिसके अंदर बोनस मिलने की संभावना है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट गए थे उन सभी को ध्यान देना चाहिए इसी बातों के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर बोनस मिल रहा है, कौन कौन से नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो कैंडिडेट है वो भी गए हैं हाई कोर्ट के अंदर, ये भी गए हैं कि हमें इन इन क्वेश्चन का बोनस मिलना चाहिए। अब एनटीए देता है नहीं देता है वो उसके ऊपर है, बाकी कैंडिडेट का मानना है। और जो टीचर जो अदर कोचिंग वाले टीचर पढ़ाते हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि इन्हें इन क्वेश्चनों के अंदर बोनस मिलना अनिवार्य है। तो अब देखते हैं जब एनटीए रिजल्ट जारी करेगा या अपनी आंसर क्यों जारी करेगा तब क्या कहता है कि वो इनका बोनस देता है नहीं देता है, क्वेश्चन रिजल्ट करता है या कुछ नहीं करता है, वो तो एनटीए के ऊपर ही रहने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।